नमस्कार, मैं हूँ ऋचि शर्मा। वेब थ्री की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड ने सुखजॉय NFT बाय अमेजिंग थाईलैंड प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में से थाईलैंड में हाई स्पेंडिंग टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए डिजिटल आर्ट एसेट्स का उपयोग करेगी। TAT के मुताबिक अमेजिंग थाईलैंड प्रोजेक्ट द्वारा सुखजॉय NFT में कोरियन मार्केट में अवेलेबल नॉन फंजिबल टोकन्स में TAT मैस्कुट नॉन्ग सुखजॉय शामिल है। ये पीसेस होल्डर्स को थाईलैंड का ट्रैवल करने पर ट्रैवल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए एक्सेप्शनल बेनिफिट्स ऑफर करेंगे। इस प्रोजेक्ट में थाईलैंड के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के 60 से अधिक थाई पार्टनर्स और एंटरप्रेन्योर्स शामिल हैं। पार्टिसिपेंट्स ट्रैवलेट एप्लीकेशन के माध्यम से कैंपेन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जो ट्रैवलर्स को थाईलैंड के लिए अपनी ट्रिप्स आयोजित करने की भी अनुमति देता है। TAT ने कहा कि प्रोजेक्ट का लक्ष्य ROK के डिजिटल एसेट कंज्यूमर मार्केट से जुड़ना और NFT मार्केटिंग के माध्यम से एक फैन बेस स्थापित करना, नए टूरिज्म एक्सपीरियंसेस प्रदान करना और लोगों को थाईलैंड जाने के लिए प्रेरित करना है। ये प्रोजेक्ट TAT और सुखबुक के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के रिजल्ट्स में से एक है, जिसका उद्देश्य नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने और टूरिज्म इकोसिस्टम स्थापित करने के थाईलैंड के लक्ष्य के अनुरूप डिजिटल एसेट प्रमोशन के माध्यम से थाईलैंड के टूरिज्म प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अधिक सस्टेनेबल इंडस्ट्री के लिए बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ब्लॉकचेन गेमिंग स्टार्टअप स्पिलवर्क्स ने एक प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए Web3 प्लेटफॉर्म मिसेलियम नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप की है, जो नॉन फंजिबल टोकन परचेजेस के लिए फुल रिफंड की अनुमति देता है। कॉइन टेलीग्राफ को भेजी गई एक घोषणा में टीम ने बताया कि प्रोग्राम के भीतर जो यूजर्स रिवर्टीज नामक NFT प्राप्त करते हैं, वे फुल USD कॉइन रिफंड पाने के लिए एलिजिबल हैं। ये प्रोजेक्ट यूजर्स को स्पिलवर्क्स के डंजन मास्टर नामक गेम में NFT की एक नई सीरीज को स्टेक करने और एक सेपरेट मिंटिंग मैकेनिज्म के माध्यम से USDC का उपयोग करके उन्हें खरीदने की भी अनुमति देता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी नई एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में AI और मेटावर्स को लागू किया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इन टेक्नोलॉजीज की शुरुआत का उद्देश्य रिक्रूट्स के लिए एक इमर्सिव ट्रेनिंग एक्सपीरियंस प्रदान करना है, जिससे वे रियल वर्ल्ड सिनेरियोस की प्रैक्टिस करने और अपने स्किल्स को बढ़ाने में सक्षम हो सके। वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशंस के माध्यम से न्यू हायर्स कई सिनेरियोस से जुड़ सकते हैं, जैसे कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल करना या संभावित सुरक्षा खतरों का जवाब देना। VR ट्रेनिंग के अलावा बैंक ऑफ अमेरिका क्लाइंट इंटरैक्शन को सिमुलेट करने के लिए AI पावर्ड कॉन्वर्सेशंस का उपयोग करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि AI और मेटावर्स को शामिल करने के लिए बैंक ऑफ अमेरिका की कमिटमेंट विश्व स्तर पर फैली हुई है। इस न्यू एज ट्रेनिंग प्रोग्राम से 200,000 से अधिक एम्प्लॉयज लाभान्वित हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कॉल सेंटर्स में AI कोचेज लागू किए हैं, जो स्टाफ के लिए एडिशनल सपोर्ट और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। AI और मेटावर्स को एकत्रित करने से आशाजनक परिणाम सामने आए हैं। पार्टिसिपेंट्स ने अपने जॉब टास्क को करने में अधिक आराम की सूचना भी दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बैंकरप्ट क्रिप्टोलेंडर सेल्सियस के फाउंडर और पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव अलेक्जेंडर मशिंस्की को धोखाधड़ी के आरोप में गुरुवार को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके जमानत की राशि US डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा $40 मिलियन निर्धारित की गई है। अदालत के दस्तावेज में कहा गया है कि गुरुवार को गिरफ्तार होने के बाद मशिंस्की ने इन्वेस्टर्स को गुमराह करने और अपने CEL टोकन की कीमत में हेरफेर करने से संबंधित 7 मामलों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया। मशिंस्की को ट्रैवल करने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और डील के तहत नए बैंक या क्रिप्टो अकाउंट्स नहीं खोल सकते। DOJ ने मशिंस्की और सेल्सियस के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर रोनी कोहिन पेविन पर कंपनी के वैल्यू और CEL में इंटरेस्ट के मार्केट वैल्यू पर कस्टमर्स को गुमराह करने के लिए एक लंबी स्कीम तैयार करने का आरोप लगाया। इंडिक्टमेंट में कहा गया है कि मशिंस्की ने CEL की अपनी सेल्स के बारे में गलत और मिसलीडिंग पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोहिन पेविन को भी गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। ओवर टू यू रोशनी। क्रिप्टो दुनिया के सबसे बड़े ब्रिजिंग प्रोटोकॉल में से एक मल्टीचेन ने नोटिफाई किया कि वो चाइनीज पुलिस द्वारा CEO ज़ाओ जून और उनकी बहन की हिरासत के बाद ऑपरेशंस बंद कर रहा है। मल्टीचेन ने शुक्रवार को अपने ट्विटर पेज पर एक थ्रेड में एक बयान में कहा कि उसे इन्फॉर्मेशन के अल्टरनेटिव सोर्सेज और संबंधित ऑपरेशनल फंड्स की कमी के कारण ये कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मल्टीचेन के अनुसार 21 मई को ज़ाओ जून और उनकी चाइनीज अथॉरिटीज ने छीन लिया, जिन्होंने उसके लैपटॉप, फोन, हार्डवेयर वॉलेट और निमोनिक फ्रेसेस भी जब्त कर लिए।
तब से स्टाफ ने बॉस से बात नहीं की है और उन सर्वरों के तक एक्सेस का उपयोग करके डेली टास्क करने में कामयाब रहे हैं, जिन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है, और जाओजुन की बहन भी मदद से, जो अब हिरासत में है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब थ्री से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।